बतानेंगे इस वीडियो में क्लेविड्यूर डीडीएस सिरप के बारे में। देखेंगे भाई क्या है, कहाँ दी जाती है, काम किस तरह से करती है, कौन इसका यूज करता है, ये कितना देना पड़ता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं देने के बाद, जानेंगे सब कुछ। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्लेविड्यूर एक ब्रांड नेम है लुपिन कंपनी का। इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कहां पर करते हैं, जहां पर बच्चा एक साल से लेकर तीन से चार साल तक का होता है तो वहां पर दिया जाता है। ठीक है, दो स्ट्रेंथ में आती है, 228.5 मिलीग्राम और 457 मिलीग्राम। जो दूसरी आती है उसका नाम होता है क्लेविड्यूर डीएस। ठीक है दोस्तों, जाने इसके बारे में, तो ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन है, सेल्फ यूज नहीं की जाती। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स आती है, एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम में दी जाती है। जाने अगर प्रॉब्लम्स के बारे में, तो पहली प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमोनिया बनना। अगर बच्चे की न्यूमोनिया बन गया है तो वहां फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कफ है, खांसी है, वहां पे दी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन है बच्चे के, यूरिन में दिक्कत है, पानी का मतलब यूरिन कम उतर रहा है, जलन होती है, दर्द हो रहा है बच्चे के, पूरा नहीं उतर पा रहा है, बार बार बच्चा जा रहा है टॉयलेट, वहां फिर दिया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है यूरिन के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों, इसको टॉन्सिल प्रॉब्लम में, आंख में होने वाले इन्फेक्शन में, जुकाम की प्रॉब्लम में, बुखार की प्रॉब्लम में देते हैं। कान में बच्चे के पानी चला जाए, कान में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, या स्किन के ऊपर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, वहां पर भी चलाई जाती है, ईएनटी स्पेशलिस्ट दे सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी स्किन प्रॉब्लम में, स्किन रेसेज में, स्किन इन्फेक्शन में देते हैं, और भी कई सारे प्रॉब्लम में ये काम आ सकती है। बात करते हैं भाई कहाँ नहीं देना है। तो देखिए, अगर किसी बच्चे को फ्लू है, ठीक है, या फिर कोई वायरल है बच्चे के, तो वहां ये काम नहीं करती है, वहां नहीं देना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर बता देते हैं, इसलिए सेल्फ यूज कभी भी नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक्स। दुआओं जाने इसके काम किस तरह से करती है, मोटिवेशन क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो एंटीबायोटिक्स, पहली है एमोक्सिसिलिन 400 मिलीग्राम और दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट 57 मिलीग्राम। दोस्तों एमोक्सिसिलिन प्रोटीन्स को बनने से रोक देता है। प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया खुराक होती है, जिनके कारण बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, तो उन प्रोटीन को बनने से रोक देता है। प्रोटीन बंद हो जाए तो बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट इसलिए दिया जाता है, जब एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया पर हमला करती है तो बैक्टीरिया अपोजिट में एक बीटा लैक्टामेज नाम का एंजाइम्स बना देते हैं, जो एंजाइम्स फिर एमोक्सिसिलिन के ऊपर भारी पड़ता है, एमोक्सिसिलिन वीक हो जाता है उस एंजाइम से। तो वहां पर उस एंजाइम से एमोक्सिसिलिन को बचाने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट साथ में दिया जाता है 57 मिलीग्राम। ये क्या करता है दोस्तों, ये बीटा एंजाइम्स को बनने ही नहीं देता, बीटा जो लैक्टामेज होता है उसको बनने नहीं देता, जो कि बैक्टीरिया द्वारा बन जाता है, जिससे कि वो खराब हो जाता है या फिर बनने ही नहीं देता पोटेशियम कार्बोनेट। कहें तो एमोक्सिसिलिन को सपोर्ट करता रहता है लास्ट तक, अच्छे से लड़ सके बैक्टीरिया से, तो इसलिए साथ में दिया जाता है। जाने डोज के बारे में, तो डोज वैसे तो अगर बात करूं, अगर बच्चा दो से ढाई साल तक का है या तीन साल तक का है, तो ढाई ढाई एमएल भी हो सकती है, पांच पांच एमएल भी हो सकती है ज्यादा प्रॉब्लम होने पर। बच्चा तीन साल से बड़ा है, पांच पांच एमएल आराम से ले सकता है, खाने के बाद अच्छी रहती है। ठीक है, खाली पेट नहीं लेना है। बात करते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एंटीबायोटिक है, थोड़े वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कई बार देखा गया कि मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, गर्म कर जाती है, केवल लूज मसल लगना, दस्त लगना, डायरिया होना एंटीबायोटिक के कारण हो सकते हैं, या वोमिटिंग कर दे बच्चा, कई बार सूट नहीं कर पाती, या किसी तरीके की एलर्जी हो जाए, कई बार एमोक्सिसिलिन से एलर्जी भी हो सकती है, कई बार नहीं सूट कर पाती, हर किसी में नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है, सभी के लिए अच्छी सिरप ये आती है, अगर डॉक्टर ने दी है तो जरूर यूज कर लें। दोस्तों सावधानी इसकी यही है, 7 दिन तक इसका यूज किया जाता है, 7 दिन के बाद अगर बच जाए तो फेंक देना है, वापस यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो लाइफ वारंटी होती है 7 दिन की होती है, बाद में खराब हो जाती है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने नहीं दिया तो यूज नहीं करना है, एलर्जी होती है नहीं करना है यूज, डॉक्टर को बताना है। तो इसका संपूर्ण रिव्यू वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगाओ कोड हो जाएगा, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मिलते हैं वीडियो में।